الإسلام والمسلمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि हम उम्मत को, पूरी उम्मत को, जितने भी तबकात हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मालदार हैं, गरीब हैं, कारीगर हैं, कारसर हैं, जिसने भी कलमा पढ़ा है अल्लाह के तौहीद का और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत को पैगंबरी का फरमा देते हैं कि एक शब्द को एक गलत फहमी से निकालना चाहते हैं। गलत फहमी क्या है? अरे क्यों समझा हुआ है, मर्द भी औरतें भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, आवाम भी, खवास भी, कि मेरी जान मेरा माल, मेरी जान मेरा माल, अरे किस गलत फहमी है। हालांकि जान माल आदमी की अपनी मिल्क है नहीं, वो तो अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह की अमानत भी है। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान की तो जान माल है ही दीन के लिए, और मुसलमान दुनियादार नहीं होता। वो तो जब जान माल को सही इस्तेमाल करना सीख लेता है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल हो